आकाश गंगा सब्जी व्यवसायी संघ अब इतना परेशान हो चुका है कि इन्होंने शासन प्रशासन से अब किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद छोड़ दी है। ये व्यवसायी एक लंबे समय से आकाश गंगा सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से परेशान है और शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आकाश गंगा सब्जी व्यवसायी संघ के द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, परंतु अब तक इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इतना कहना है टेक, यदि मंडी में सफाई करनी हो तो व्यापारी करेंगे, यदि नालियां बनवानी हो तो व्यापारी कराएंगे, और पार्किंग की व्यवस्था भी व्यापारी खुद करवा रहे हैं। आज निगम प्रशासन या जिला प्रशासन सुपेला के सब्जी मंडी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इनके द्वारा व्यवस्थापन की मांग करने के बाद भी आज तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। इस मंडी में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और साथ ही मंडी में पूर्व की तरह अब सफाई भी नहीं होती है। मंडी में बनी नालियां पूरी तरह से भरकर बजबजा रही हैं। एक लंबे समय से मांग करते करते अब अपनी सारी उम्मीदें ये व्यापारी खो चुके हैं और अब यह खुद ही चाहते हैं कि किसी भी मांग को लेकर ये शासन प्रशासन तक न जाएं। हम सब व्यापारी यहाँ पर मार्केट की अपनी व्यवस्थाओं के लिए चिंता में हैं। नगर निगम से हमारी कोई भी ऐसी उम्मीद पूरी नहीं होती जो हमारी मार्केट को जरूरत की चीज़ें हो। आज मंडी में साफ सफाई के नाम पर हफ्ते में एक दिन लीपापोती नाम से झाड़ू पोछा लग जाता है, उसके बाद आप कचरा देख सकते हैं पूरी मंडी में। कोई भी नगर निगम की सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नाली बनवाने का काम व्यापारी खुद करता है, पुलिया टूट गई व्यापारी खुद करता है, पार्किंग की व्यवस्था समस्या व्यापारी को खुद उठना पड़ रहा है। नगर निगम झांकने तक नहीं आता, पड़ोस में हमारे नगर निगम है, कि यहाँ पर हो क्या रहा है। टैक्स लेने के लिए पेनाल्टी में पेनाल्टी और टैक्स पटाइए आप, तकादे हो रहे हैं हमारे से। लेकिन हमारे पास देख लीजिए आप साफ सफाई व्यवस्था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पूरा भ्रमण कर लीजिए, मीडिया आप सामने हो, पूरी मंडी में आप साफ सफाई व्यवस्था देखिए। डेंगू बोलते हैं तो डेंगू में व्यापारी जिम्मेदार है, लेकिन सफाई वाले नहीं आएंगे। क्या चाह रहे हैं हम व्यापारी? चाह रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं चाह रहे, अपने शासन से कुछ भी नहीं चाहते। हमको इसी जगह पे हम लोग लड़ना है मरना है, हम यहीं पर कर लेंगे सब। पूरी उम्मीदें खत्म है, हम तो कितने बार आवेदन देके आए। आप साफ सफाई देखिए आप मंडी में, यहाँ देखिए दलदल हो जाती है बरसात में, हमने खुद अपने को मलबा डलवाना पड़ता है हम लोग को। ये निगम की कार्रवाई है ना, RCC करवाइए आप पार्किंग में मंडी में। हमको डिपो की कितने बार डिमांड कर दी, 18 बसें खड़ी हैं, हमको वहाँ पर जगह नहीं देते हैं। कोई उम्मीद नहीं है हमारे व्यापारियों से, अब शासन से कोई उम्मीद ही नहीं है। हमने सब अधिकारियों से बात करके देख लिए, कोई भी आश्वासन के लिए मंडी भ्रमण तक के नहीं आते। उनको मंडी आने में भी उनको तकलीफ होती है, हम व्यापारी घूम रहे थे। कलेक्टर साहब से भी हमने बहुत बार मांग कर ली है, कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था, पर उसके बाद कुछ हुआ तो है नहीं। हम तो सीधी सी बात बता रहे हैं, हमारे व्यापारियों की भलाई के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सब्जी बड़ा संघ आगाजन सुपेला का मैं सदस्य हूँ। व्यवस्थापन के लिए हमने कई दिनों से मतलब मांग दिए हैं, कई सालों से दिए हैं। मतलब यार हमें ये मंडी में समस्या पैदा तभी हुई कि पार्किंग व्यवस्था पर नहीं थी, तो हमने आवेदन दिया है कि इसकी हमारे जो नई मंडी जाएगी तो समाधान होगा। हमने आवेदन दिया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। और कलेक्टर का आश्वासन मिलने के बाद में नगर निगम के जो महापौर जो है वो उन्होंने हमसे कहा कि भैया पूरी मंडी खाली करो, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका रजिस्ट्री हो गया है। और हमने कहा भाई हमारा जो ऑक्सीजन सेड है हम आप उसका हवाले कर देंगे, और जो यहाँ पर अवैध कब्जा किया जो रेंट नहीं पड़ा रहा उनको हटाइए आप और जगह आप ले लीजिए हमसे। लेकिन इसका व्यवस्थापन जो है हमारा अच्छे ढंग से मतलब नए ढंग से होना चाहिए। इसको करीब ये 5-6 साल से ऊपर हो गया, जब समस्या पैदा हुई यहाँ पर पार्किंग की तो हमने आवेदन दिया इसका। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन की इस अनदेखी की वजह से यह सब्जी मंडी व्यवसायी चुनाव का विरोध कर बैठे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।